आदाब, नमस्कार। मैं हूं आपकी अपनी तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। '63 में मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर नासिर हुसैन की एक बहुत मशहूर और सुपरहिट फिल्म आई थी। नाम भी बड़ा अच्छा था, फिर वही दिल लाया हूँ। इस फिल्म में हीरो थे जॉय मुखर्जी और हीरोइन थी आशा पारेख और कॉमेडियन थे राजेंद्र नाथ। लेकिन नासिर भाई ने मुझसे भी उस फिल्म में कॉमेडी करवाई थी, लेकिन रोमांटिक कॉमेडी नहीं, कॉमेडियन के साथ नहीं, सोलो कॉमेडी की थी मैंने। फिर तुम लंदन जाओगी, पेरिस, न्यूयॉर्क, मॉस्को, सारी दुनिया कहेगी द मोस्ट ब्यूटीफुल बैलेरिना ऑफ इंडिया। और फिर तुम्हारी शादी दीपू के साथ हो जाएगी। दीपू? और कुछ साल बाद तुम्हारे यहाँ बहुत से छोटे 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 दीपू घूमते होंगे। शर्म आती है, मदद तो होती नहीं, मजाक उड़ाती हो। एक काम करो, तुम दीपू को बुलाकर साफ बोल दो कि मैं तुमसे शादी करने को तैयार नहीं, इसलिए कि तुम एकदम दीपू और वो फॉरेन मान जाएगा। ओफो, ये बच्ची तो बिल्कुल ही अनाड़ी। तुम सब यहाँ कैसे आई? चले जाए। नहीं नहीं, अच्छा हुआ तुम सब आई। दीपू मिला नहीं तो मैं इधर अकेले कहेंगे चली आई। अकेले ही? हाँ हाँ। इसका क्या मतलब? अभी बताती हूँ। सूरत तो बुरी नहीं, सीरत भी बुरी नहीं, वो तो अभी देखना है। देखने वाले देख चुके हैं। अच्छा, तो फिर देख किस बात की है? शहनाई बजाने वाले छुट्टी पे गए हुए हैं। जवाब नहीं, अच्छा जानदार। जानदार? अरे मीम साहब बहुत शानदार है, कुश्ती का शौक नहीं वरना दारा सिंह को समझ लेता। कब से चल रहा है मामला? कई सालों से। बिल्कुल झूठ, आज सुबह ही। देखिए कबूल है ना? अच्छा, तो यही आपको यहाँ लाई है? बहुत मजबूर करके। इसलिए? ये आप उन्हीं से पूछ लीजिए। क्यों मेरी बच्ची? She is a blooming lad. तो इतना नाराज होने की क्या बात है? इसलिए कि तुम लोग गलत मतलब समझ रही हो। आप सही मतलब समझा लीजिए। मोना, प्लीज लीव मी अलोन। इस फिल्म की आउटडोर शूटिंग हुई थी कश्मीर में और हमें उस शूटिंग में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। इसकी वजह ये थी कि काम बहुत कम होता था, आराम बहुत ज़्यादा करने को मिलता था, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं होता था, पता नहीं कब बारिश आ जाए, कब बादल छा जाए, है ना? तो बस आप देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज़ और सुनते रहिए तबस्सुम की नई नई बातें।